सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे असम यूनिवर्सिटी के नॉन सीबीसीएस स्टूडेंट्स को लेके। तो आज नॉन सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट से इस वीडियो में, एक ग्रुप ऑफ नॉन सीबीसीएस स्टूडेंट्स ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक WRIT फाइल की है अगेंस्ट असम यूनिवर्सिटी। इस WRIT फाइल करने के पीछे के जो कारण है वो है असम यूनिवर्सिटी के इग्नोरेंस, बच्चे लोगों के जो डिमांड से एग्जामिनेशन को लेके। तो कल जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म की थी कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी के जो एक कमिटी फॉर्म की गई है नॉन सीबीसीएस के एग्जामिनेशन को लेके, लेकिन अभी तक July 7 डेट है आज, अभी तक कुछ भी अपडेट्स उस कमिटी के तरफ से नहीं आई है। और साथ में कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि स्टूडेंट्स के ग्रुप ने हमारे CM सर को भी एक मेमोरेंडम दिए थे, साथ में हमारे DC मैडम को भी एक मेमोरेंडम दिए थे रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन और अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द नॉन सीबीसीएस के कंडक्ट किए जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में जितने हम एग्जामिनेशन को ऑफलाइन के बारे में सोचेंगे इतना डिले होंगे और स्टूडेंट्स के करियर यहाँ पे खराब हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ भी करके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, चाहे वो ऑनलाइन मेथड हो या फिर और कुछ अल्टरनेटिव मोड हो। जैसे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के फेवर देखते हुए ओपन बुक सिस्टम में एग्जामिनेशन ले रहे, सेम असम यूनिवर्सिटी को भी लेना चाहिए। लेकिन अभी तक असम यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी साइलेंस से अभी तक एग्जाम्स को लेके कोई अपडेट्स नहीं दे रहे। तो उसी को लेके एडवोकेट गौतम चौधरी जी के साथ मिलके कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक WRIT फाइल किए। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स के डिमांड जो है वो डिमांड फुलफिल नहीं किए जा रहे। स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाते तो यूनिवर्सिटी कहते कॉलेज के पास जाओ, कॉलेज के पास जब आते प्रिंसिपल कहते यूनिवर्सिटी के पास जाओ एग्जामिनेशन के लेके, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं, वहां पे पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अभी स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, जो हमारे DC मैडम है, DC मैडम के पास भी स्टूडेंट्स आए थे मेमोरेंडम लेके, जिस वजह से अभी फाइनली उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ा। तो एडवोकेट हमारे जो गौतम चौधरी सर है उनके थ्रू ही ये WRIT फाइल की गई है। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वाइस चांसलर है असम यूनिवर्सिटी के और एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके अगेंस्ट में ये फाइल की गई है, उनके जो साइलेंस है उस साइलेंस के अगेंस्ट में ये फाइल की गई है। क्योंकि उनके साइलेंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो रहे, एग्जामिनेशन डिले होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर खराब हो रहे। सो उसी WRIT में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द किया जाए, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या फिर कोई मोड हो, तो उसे लेके WRIT फाइल की गई है। तो अभी देखते हैं यूनिवर्सिटी शायद अभी नींद से जागेगी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट के पास गई तो हाईकोर्ट के तरफ से उनके ऊपर कुछ प्रेशर्स आएंगे और शायद नींद से अभी हमारे असम यूनिवर्सिटी जागेगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।